1990 के बाद से बॉलीवुड ने कभी भी भारत के हित में काम नहीं करा और इसका स्तर अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट के इन्वॉल्वमेंट से और बढ़ गया। ग्लोबल लेवल पर आज दुनिया भर में कई लोग भारत को केवल अंडरवर्ल्ड के द्वारा पैसे लगाए जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों से ही जानते हैं। क्यों हमने और आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बॉलीवुड के जो खान हैं ये हमेशा इस्लामिक कल्चर, पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड पर इतने फोकस क्यों रहते हैं? क्यों इस देश में उस कलाकार के ऊपर एक बड़े बैनर की फिल्म बनाई जाती है जिसके 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद के साथ कनेक्शन रहे हैं? क्यों करोड़ों खर्च करके दाऊद के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें बड़े से बड़े कलाकार को लिया जाता है, लेकिन आज तक बॉलीवुड से एक फिल्म नहीं बनी बाल गंगाधर तिलक पर, चंद्रशेखर जी पर, या फिर एक भी बॉलीवुड की कोई बड़े बैनर की फिल्म नहीं मिली हमें आज तक सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर पर? बॉलीवुड उन पाकिस्तानी को तो फिल्मों में बड़े बड़े रोल देते हैं, पर क्या इन्होंने कभी भी पूर्वी भारत से किसी कलाकार को एक बड़ा कलाकार बनाया? ये उन पाकिस्तानियों को फिल्मों में बड़े बड़े रोल देते हैं जो यहाँ से पैसा कमाकर पाकिस्तान में जाकर ISI को टैक्स के रूप में वो पैसा देते हैं और फिर वो पैसा ISI भारत के अंदर टेरर और आतंक को बढ़ाने में लगाती है। अब अनिल मुसर्रत, जिसके बड़े अच्छे खासे लिंक हैं ISI के साथ, उसको बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकारों के साथ देखा गया और जिस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। कुछ पाकिस्तानी अपने कंफर्ट जोन में बैठकर कश्मीर के मुसलमानों को बंदूक उठाने के लिए भड़काते हैं, जो एक आम बासी है, लेकिन जब हमारे देश से निकला एक ऐसा इंसान कश्मीर के लोगों को भड़काता है तब बात बिगड़ने लगती है। ये इंसान है अजीज अशाई, जो टोनी अशाई के नाम से जाना जाता है, जो कश्मीर की वादियों से निकला एक ग्लोबल आर्किटेक्ट है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े कलाकारों के घर को डिजाइन करता है। अकॉर्डिंग टू वन श्रीनगर बेस्ड एक्टिविस्ट, अजीज अशाई प्रो पाकिस्तानी और टेरर फंड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड का मेंबर भी रहा है और इसके शाहरुख खान के साथ लिंक्स भी हैं, जिसने शाहरुख खान के लिए दुबई में उसकी बिल्डिंग्स को भी डिजाइन कराया। फर्दर अलकंदर बताते हैं कि अशाई डिजाइन बिजनेस को भी JKLF की तरफ से फंड मिल रहा था। इवन न्यूयॉर्क में ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यूनिवर्सिटी बफलो, उसको भी JKLF की तरफ से फंड आ रहा था। इवन अलकंदर बताते हैं कि अशाई पाकिस्तान के PM इमरान खान का बड़ा खास दोस्त है और इसको ISI की तरफ से पैसा भी आ रहा था और कई सालों तक ये ISI के पेरोल पे भी चल रहा था। पर ऑब्वियसली अशाई इन सारे एलिगेशंस को गलत बता रहा था अपनी ट्विटर अकाउंट पे। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इसका JKLF के साथ कोई कनेक्शंस भी नहीं है और ना ही ISI के साथ कोई कनेक्शंस है, तो फिर क्यों ये भारत में पैदा होकर पाकिस्तान के साथ इसको इतना प्रेम है? क्यों ये कश्मीर के लोगों को इतना भड़काता है? क्यों इसका बड़ा भाई मोदी जिंदाबाद बोले पर इतना भड़क जाता है? And he had the guts to fist pump in my face and say, Modi Zindabad, discriminating against people from Kashmir. And now he wants to apologize. Go ahead, apologize. No, over there. Are you ever going to say Modi apologize again? I mean, Modi Zindabad again? How does it help you, Modi Zindabad? How does it help you? Killing people in Kashmir? That's how it helps you? Then? You're a minority in this country. You should support minority rights. I don't understand how Indians are minority in this country and then they go and oppress minorities in India. What kind of country is that? क्यों उसके अंदर इतनी एंटी इंडिया वाली सोच है? इस तरह की सोच तो केवल एक प्रो पाकिस्तान के अंदर होती है या फिर किसी टेररिस्ट के अंदर होती है। कमेंट में डाउन और बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। हमने देखा है कि कैसे ये बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पाकिस्तानी ISI का एजेंट अनिल मुसर्रत की बेटी की शादी में जाकर नाच गाना करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के इंसान बनने बंद हो गए। There's nobody like Anil. उसके पैसों से फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, पर इनका ये पाकिस्तान प्रेम यहीं तक नहीं रुकता है। पिछले साल जब कश्मीर से धारा 370 हट गई थी, तब पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों को अपने देश में बैन कर दिया था, जिसके बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सारे इंडियन प्रोड्यूसर से बोला था कि वो कोई भी पाकिस्तानी एक्टर को अपनी फिल्मों में ना हायर करे।
लेकिन इसके बाद भी हमारे बॉलीवुड के मिका सिंह पाकिस्तान जाके परवेज मुशर्रफ की एक रिलेटिव की शादी में जाके गाना बजाना करते हैं, जिसमें उसको परफॉर्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिले थे, और जिसके बाद हमारी AICWA एसोसिएशन ने मिका सिंह को अपने एसोसिएशन से बैन कर दिया था। अब मिका को पाकिस्तानी वीजा मिलने का कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक बात साबित होती है कि इसने पैसों के लिए अपने देश को नीचा दिखाया, अपने देश को नीचे गिरा दिया, और ऐसा इसने पहली बार नहीं किया था। 2017 में इसकी एक वीडियो आती है रियान सिद्दीकी, जो एक पाकिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसके साथ, जिसमें ये पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के लिए परफॉर्म करने की बात करता है। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, हाय होस्ट, मैं हूं मिका सिंह और मैं आ रहा हूं 12 अगस्त आपके साथ आजादी का दिन मनाने, क्योंकि हम सबको पता है हमारा हिंदुस्तान जो था वो 15 अगस्त के दिन में आजाद हुआ था और 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल शो लेके आ रहा हूं मैं ऑन 12 अगस्त। अभी जो मैंने यहाँ पर एक नाम लिया, रियान सिद्दीकी, इसको 17 फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बैन कर दिया था, जब सरकार को पता चला कि ये कश्मीर में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में फंड कर रहा था। ये है एक पाकिस्तानी, लेकिन रहता ये ह्यूस्टन यूएस में है, जहाँ पर ये एक रेडियो चैनल चलाता है जिसमें ये कश्मीर के लिए एंटी इंडिया बातें करता है। इसके बॉलीवुड में बड़े अच्छे खासे लिंक्स भी हैं और ये बॉलीवुड के लिए कई सारे इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज कराता है। पुलवामा अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों को उठाकर ये कश्मीर में एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तान जैसे प्रोपेगेंडा को चला रहा था। इवन फरवरी 2020 में जब सलमान खान के शो को भी ये रियान सिद्दीकी ऑर्गेनाइज करा रहा था, तब जब पता चला कि इसके शो में जो ऑर्गेनाइजर के तरफ से जो पैसा आया था वो एक टेरर फंड था, तब सलमान खान को अपना शो कैंसिल करना पड़ा। वहीं जब दलजीत जैसे अच्छे कलाकारों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सारे शोज को कैंसिल कर दिया, लेकिन वहीं एंटी नेशनल मिका सिंह ने पैसों के लिए अपने देश को ही नीचे गिरा दिया। अरे पाकिस्तान को खुश करने के लिए मेघना गुलजार, जो गुलजार की बेटी हैं, उन्होंने तो राजी फिल्म की एंडिंग को ही चेंज कर दिया। कॉलिंग सहमत, जो एक नोवेल है जिस पर आधारित राजी फिल्म को बनाया गया था, उसके लेखक हरिंदर सिक्का, जो फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिसर भी रह चुके हैं, वो बताते हैं कि एंडिंग में जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, उनकी बुक के हिसाब से वो भारत वापस आता है और खुश होता है, और अपने कैरेक्टर के हिसाब से वो भारत के झंडे को सैल्यूट करता है और कहता है कि, और उनको धन्यवाद देता है कि उसने उसकी सुरक्षा करी। पर पिक्चर के हिसाब से आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है वो भारत वापस आता तो है, लेकिन बड़ी हताश और दुखी औरत बन के, जिससे ये दिखाने का प्रयास करा जाता है कि देखो कैसे इंडिया की जो रॉ है वो अपने एजेंट्स के साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। और इसी फिल्म में आलिया भट्ट की माँ सोनी रजदा ने भी काम किया था, जिसने अफजल गुरु को स्केपगोट और इनोसेंट बुला दिया, जिसने 2001 के पार्लियामेंट हाउस में अटैक करवाया था और जिसमें 14 निपराध लोग मारे गए थे। इस आलिया भट्ट की माँ सोनी रजदान और इसका बाप महेश भट्ट कोई कम नहीं है जब बात मुस्लिम ग्लोरिफिकेशन और एंटी इंडिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों की आए। महेश भट्ट, जिसको कई बार मुस्लिम प्रीचर और टेररिस्ट जाकिर नायक के साथ देखा गया है, ये वो जाकिर नायक है जिसको कई कंट्रीज ने बैन भी कर रखा है अपनी भड़काऊ स्पीच के कारण। और एक कान की बात बताऊं आपको, 2019 दिल्ली राइट्स में जाकिर नायक द्वारा भारत फंड भेजा गया था उमर खालिद को, और फिर ऐसे इंसान पर पिक्चर बनाने की, फिल्म बनाने की बात करता है ये आलिया भट्ट का बाप महेश भट्ट। मगर जाकिर साहब की जिंदगी अपने आप में एक बहुत ही कमाल की एक कहानी है, एक 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 फीचर फिल्म का एक मटेरियल उसमें है। अब वो जाकिर साहब हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं ये मैं नहीं जानता, मगर किसी को हम ढूंढ सकते हैं बशर्ते वो परमिशन दे दें हमें। एक और कान की बात बताऊं आपको, महेश भट्ट का बेटा राहुल भट्ट, यानी कि आलिया भट्ट का भाई, 26/11 का जिसने पूरा प्लॉट करा था ना, डेविड कोलमैन हेडली, उसके साथ अच्छे खासे लिंक्स थे, और हेडली ने अपने कोर्ट की हियरिंग में यह भी बताया था कि वो राहुल भट्ट को लेकर 26/11 पर एक फिल्म बनाने वाला था जिसमें ये राहुल भट्ट यानी कि आलिया भट्ट के भाई को लॉन्च करने वाला था, लेकिन बाद में किसी कारणवश ये फिल्म नहीं निकल पाई। अब इन सब के बाद भी अगर आप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी भट्ट फैमिली यानी कि आलिया भट्ट की फैमिली को अगर अब भी आप बॉयकॉट नहीं करते हो,
तो आपसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। द टाइम वेन यू सपोर्ट एंटी नेशन एक्टिविटीज, यू टेक मनी फ्रॉम एंटी नेशनल्स एंड इवन टेररिस्ट ऑफ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम, यू ऑटोमेटिकली बिकम एंटी नेशनल। इस एक्टर को जानते हो आप? सलमान खान का भाई है, जिसका ऑन रिकॉर्ड कन्फेशन है कि इसने दाऊद इब्राहिम के बुकी सोनू जलन के साथ मिलकर आईपीएल पर करोड़ों का सट्टा लगाया था। और जब 2008 में ये सोनू जलन यानी कि दाऊद इब्राहिम के बुकी के 2,80,00,000 रुपए हार गया था, तब दाऊद इब्राहिम के बुकी यानी कि सोनू जलन ने इसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन बाद में आई थिंक ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया होगा, क्योंकि बड़े भैया तो बॉलीवुड के भाई हैं, भाई नॉट इन द सेंस ऑफ रियल भाई, मेरा मतलब गैंगस्टर वाला भाई। द हिंदू के इस आर्टिकल के हिसाब से 2015 में हमारे भारत की कुछ सीक्रेट एजेंसीज ने छोटा शकील और बाकी अंडरवर्ल्ड के लोगों की एक कॉन्वर्सेशन को सुना, जिसमें वो भारत के बॉलीवुड के सुपरस्टार को वेलकम करने के लिए अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे दुबई के नडा अल शेबा के मैदान होटल में मई 2027 से मई 2030 तक। और उसी होटल में छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम के बेटे और उसकी पत्नी के लिए एक बड़ा रूम बुक भी कर रखा था, क्योंकि इनको बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ फोटो जो खिंचवानी थी। अब जो प्लान शकील ने बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बेटे और उसकी बहू को सुपरस्टार के साथ ऐसा हाजी साहब के बच्चे बुलाकर मिलवाया था। छोटा शकील ने बॉलीवुड की कई फिल्मों को भी दुबई में प्रमोट करवाया है और उसका कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उठना बैठना भी है और उनके दुबई के घरों में भी आना जाना है। अब चलो इस आर्टिकल को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो 2015 में अरब इंडो बॉलीवुड अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज कराया था टू प्रमोट बॉलीवुड फिल्म्स, और जिसको अटेंड करा था सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, वरुण धवन और कन्निका कपूर। अब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल सुपरस्टार टर्म यूज करा गया है, और हम सब जानते हैं कि इन सभी कलाकारों में कौन सुपरस्टार है। हम सब जानते हैं कि इन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे किसका पैसा लगा है, और हम सब जानते हैं कि कौन दाऊद इब्राहिम की बेटी और बेटे के साथ दुबई में मिला था। I'm going to be in Maidan Dubai on the 29th of May for the Arab Indo Bollywood Awards. इवन मई 2015 में सलमान खान पर उनके हिट और रन केस के लिए सुनवाई भी हुई थी, और ये जानते हुए भी कि उन पर केस चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मात्र 2,00,000 रुपए के लिए उन्हें ओवरसीज ट्रैवल करने के लिए परमिशन भी ग्रांट कर दी थी। अब आपके पास सारे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स हैं इन बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को बॉयकॉट करने के लिए। अब इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या आप अपना पैसा इन लोगों को देना चाहोगे जो कश्मीर सेपरेटिस्ट, एंटी नेशनल्स और अंडरवर्ल्ड के इतने अच्छे दोस्त हैं। जय हिंद, नमस्कार।